हमारे भारत का भाई और बहनों और माता पिता, मैं फिर से ये पौधा का बारे में वीडियो करके आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बोरिंग हो गया कि सब लोग मुझे बार बार कॉल करता है, पत्ता को सही तरह से दिखाओ, कैसा होता है, ऐसे बोल बोल के कितना को मैंने फोन को पिकअप करेगा। मैं भी तो मेहनत करके खाने वाला इंसान है, तो क्या करेगा ना, उपाय नहीं। इसीलिए हम बोरिंग भी हो गया, फिर भी लोगों का प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को हम बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आज से फिर तीन बार हो गया ये वीडियो को बना रहा है। और गलती भी मेरा ही है, कारण मैंने एक्सपीरियंस नहीं है कैसे करने से लोग का समझ में आ जाएगा ना, ये मैं भी तो गलती हो गया, उसके लिए मैं आप सबका समापन है, मैं मुझको क्षमा कीजिए। ये पौधा जो है आप लोग का भाषा में क्या कहता होगा मालूम नहीं, हिंदी इंग्लिश में भी मालूम नहीं है, मेरा लोकल में इसे पुमरो कहता है, पुमरो। तो ये पट्टा में देखिए काटा काटा होता है, हाँ ये काटा काटा निकलेगा और नुकीला काटा है, और यह डंटी में भी पूरा काटा काटा है, देख लीजिए क्लियर से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, तेपरा ऐसे काटा काटा है। ये गैस्ट्रिक का एकदम रामबाण इलाज है, और गैस्ट्रिक सिर्फ नहीं है, आपका शरीर का तीन प्रकार का बीमार को ये इलाज करेगा। तो आपका लेबोरेटरी में कैसा होगा तो मेरा साइंटिफिक ये में कैसे होगा मैंने पता नहीं है, मेरा और जानकारी को सिर्फ बता रही है। जिसको दांत दर्द है वो इलाज होगा, और जिसको कृमि है पेट में, जिसको एलर्जी बार बार होता है उसका इलाज होगा, और जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है उसका इलाज होगा, तीन प्रकार का बीमार इलाज होगा। और कोई किसी ने मेरा घर पर आ गया तो मैं अच्छी तरह से इसका हिस्ट्री को बता देगा, क्योंकि ऐसा वीडियो में यूट्यूब में ज़्यादा बातें करना भी सही नहीं लग रहा, मैं भी तो सोच रहा है, फिर कम बातें करेगा तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा बातें करेगा तो फिर लोग बोरिंग होता है, इसीलिए हिसाब से तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो इसको कैसे करके खाना है, आप लोग इसको दंती पत्ता इसका घास स्टीम लिप्स ब्रांच तीनों को ना पीसना है, अच्छी तरह से पीसना है, पीस के इसको एकदम ड्राई करना है, ड्राई करके खाना नहीं खाने से पहले इसका एक चम्मच करके सुबह शाम वन मंथ खाना है, वन मंथ का करके आप फिर से इंडोस्कोपी करना है, आपका बीमार है ना नहीं है ना, तो उसमें थोड़ा बाकी होने से और भी खाना है, ऐसे करना है। तो किसी को साइड इफेक्ट होगा, हाँ कोई बोल रहा है, हमको तो पता नहीं साइड इफेक्ट है बोल के, किसी ने बोल रहा है कि साइड इफेक्ट है बोल रहे, तो हमको तो ऐसा साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं है, मैंने आइडिया नहीं है, तब तक भी मेरा सोच है कि आप लोग जिसको साइड इफेक्ट है वो इनडायरेक्ट में कहना है, मीनिंग है आपका इनडायरेक्ट मतलब जो है आप डायरेक्ट सामोस से घुसा के कहा रहा है तो ना, जैसे एलोपैथिक का दवाई को कहता है इसी तरह कहा रहा है, तो आप क्या करना है इसको इनडायरेक्ट मतलब काना में मिला के या सब्जी में मिला के खाना है, तब तो जाके ये इनडायरेक्ट काना हो गया, काना पड़ गया। तो इससे भी और भी आपको थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है तो क्या करना है, आप कम डोजेस करके आप हाफ का हाफ करते जा करके खाना है, हाँ ये आपका शरीर का तीन बीमार इलाज होगा, ये हो गया एक तो ये हो गया। और आप इसका जो गैस्ट्रिक पेशेंट है, आप कभी भी गलती से भी आप अल्कोहल नहीं लेना है और मीट वगैरह को एवॉइड करना है, कभी कभी खाने मन करेगा तो आप मछली जो छोटा छोटा मछली है ना जो तेल नहीं है ऐसे वाला मछली को खाना है, हाँ ये मेरा आप सबसे निवेदन है। तो मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा है कि मैं गलती कहने से मुझको गाली गुलाम मौत कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने वीडियो कर रहे तो गलती भी हो सकता है ना, और मैं बिजनेस में सोचने से मैं ऐसा रोगियों से कुछ कुछ मैंने पैसा उतारना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, आप लोग इसको पहचान करो, प्रिजर्व करके रखो, आजकल का कंप्यूटर एज आ गया है तो आजकल का पोती पोता ये सबको भूलते जा रहा है, विलुप्त तो हो रहा है, सदियों से प्राचीन काल में जो माता पिता ने जान के आया था उसको भूलते जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको रेन्यू कर रहा है, अपडेट कर रहा है, इसीलिए आप लोग हमें गाली मौत कीजिए, क्योंकि इंसान इंसान को बसाता है, भगवान मैंने भगवान मानता है, लेकिन मेरा भगवान आकर के हमको रिगुर इसको काउना नहीं बोलेगा,
आपका आप जिस भगवान को मानता है वो भी ऐसा ही होगा। तो इंसान इंसान भगवान बनता है, इसीलिए हमें गाली मत कीजिए। कोई कोई इतना खराब खराब गाली करता है, वो लोग का एड्रेस भी हम डायरेक्ट पता होता है क्योंकि हम फेसबुक में सर्च करके देखता है इतना जो जो गाली करता है। ऐसा मत बोलिए इन लोग को, हम होगा बोलने वाला बोलने दो सोच के मैंने इग्नोर करके बेहतर है। तो मेरा परिवार लोग कोई कोई जवाब भी दिया होगा उसको आप लोग खराब मत मानिए ना। तो कोई कोई तो ऐसे अननेसेसरी में ऐसे बोलता ही है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा है आप सब के लिए, क्योंकि मैं मर जाएगा तो मेरा जानकारी को पूरा लेके जाएगा, इसलिए मेरा जो जानकारी को आपको भी आप सबको भी जानने देगा सोच करके। यही मेरा उपदेश है, यही मेरा एडवाइस है ना। तो आप लोग कारगर रेगुर को KARGA कारगा रेगुर RIGUR रेगुर RORI ऐसे करके टाइप करेगा तो पूरा आप लोग मेरा वीडियो को देखा ही देगा। तो लोग का मुझको रिक्वेस्ट करने के कारण से, निवेदन करने के कारण से मैं दोबारा करके वीडियो को बना रहा है। तो आप लोग कोई कोई आगे देखने वाला लोग बोरिंग मौत लगे ना, जो पीछे पीछे वाला लोग बार बार कॉल कर रहे हैं फिर से दिखाओ बोल रहे, इसलिए मैंने मजबूर में कहने का सोच नहीं था, कहता है गम बुला के, वीडियो करने का गम नहीं था लेकिन करता है गम बुला के ना। तो मैंने गलती कहने से मुझे क्षमा कीजिए। तो हमारे बातें को यहीं पर समाप्त करता है, धन्यवाद।